जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक व्यक्ति के पास अच्छा भवन, अच्छा कमरा और अच्छा पलंग सोने के लिए सारी सुविधाएं हैं, पंखा भी चल रहा है, गर्मी भी नहीं है, और यदि एयर कंडीशन है तो पंखे की जरूरत भी नहीं है, सारी सुविधाएं प्राप्त है, पर नींद नहीं आती, घंटों तक सोया रहता है, दो दो घंटा चार चार घंटा नींद नहीं आती, कोई दो कम समझ वाले आदमी आपस में मिल गए थे तो बोलो भी क्या कैसे चल रहा है, कभी और तो ठीक चल रहा है पर मेरी मुसीबत यह है कि सोने के बाद तीन घंटा तक नींद नहीं आती। अब उसको सुखी कैसे माने? सुख का एक लक्षण बतलाया गया कि सुखम स्वपिति असुखम प्रबुद्धते, जो सुख से सोता है सुख से जागता है यह सुखी होने का लक्षण है। आज तो दुनिया के बहुत बड़ी संख्या के लोग नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, सुख से सोने की बात ही नहीं आती, ये पता नहीं कि जगाने के लिए भी कोई गोलियां होती होगी, सुख से नहीं जागते, बड़ी मुश्किल से जागते हैं, और समय भी ऐसा बन गया। एक समय था, समय का प्रबोध था और स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल था कि 10 बजे सोना और 4 बजे उठ जाना। 4 बजे उठने का भी एक महत्व है, जिसे भारतीय विचारों में और योग विद्या के निष्णातों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह शरीर से भी स्वस्थ रहता है और मन से भी स्वस्थ रहता है। अब आज तो ब्रह्म मुहूर्त कहीं चला गया, बहुत लोग तो ऐसे 2 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं, दिन सोने का समय भी नहीं है। सुखम स्वपिति, सुख से सोता है, वास्तव में सुखी है जिसे नींद के लिए गोलियां नहीं लेनी पड़ती, और वह आदमी भी सुखी है जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है, स्वयं उठ जाता है। 4 बजे का समय मैंने तो परंपरा से देखा कि पूज्य कालूगणी 4 बजे उठ जाते थे, लंबे समय तक देख रहा हूं, 7 से अधिक दशक हो गए, पूज्य आचार्य तुलसी को देखा कि 4 बजे उठ जाते थे, आज भी हम 4 बजे उठ जाते हैं, ये क्यों? आज का समय तो ये नहीं है, आज का समय तो है 1 बजे 2 बजे तो भोजन करना, फिर सोना और फिर बहुत देरी से उठना,
छोटे छोटे लड़के युवक भी बहुत देरी से सोते। एक लड़का जो 9-10 बजे उठता, एक दिन माँ ने झल्ला कर कहा कि ये क्या इतना देरी से उठना, देखो कितना सूरज चढ़ गया। तो लड़का बोला, माँ मेरी सूरज की क्या तुलना है, वह तो सांझ होते ही सोने चला जाता है, मैं तो रात को 12 बजे सोता हूं, क्या तुलना करते हो। ये सारा बदल गया। इसका परिणाम क्या है कि जीवन में जितना आनंद, जितनी मस्ती और खुशहाली होनी चाहिए वह नहीं है। क्यों नहीं, इस पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो यह विज्ञान सम्मत तथ्य यह है कि 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक मेलाटोनिन का स्राव होता है, एक रसायन का स्राव होता है, और वह आदमी को मस्ती में रखता है। सेराटोनिन का स्राव और मेलाटोनिन का स्राव, ये हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। उनके स्राव का समय भी यही है, लगभग ये 4 बजे से सूर्योदय तक का। अब चाहे पुरानी भाषा में कहें तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो आनंद देने वाला होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, और विज्ञान की भाषा में कहें तो इन रसायनों के स्राव का समय, जो आदमी को स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है, खुशहाली में रखता है। हम अगर परिभाषा करें सुखी कौन, तो इसका एक उत्तर दें कि जो सुख से सोता है, सुख से जागता है, वह सुखी है। और इसके आगे जाएं कि सुखी कौन, एक लक्षण हुआ यह कि सुखी वह है जिसके पास धन तो बहुत है पर उपभोग बहुत कम करता है, धन अपार पर उपभोग ज्यादा नहीं करता, वह सुखी आदमी है। जो व्यक्ति ज्यादा पदार्थ का उपभोग करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान महावीर का एक श्रवणोपासक आनंद, जो किसान था, बहुत बड़ा किसान, और जिसके पास इतनी संपदा थी, उसकी संपदा का वर्णन आज के आंकड़ों में करें तो शायद दुनिया का प्रथम, दूसरा, तीसरा धनी हो सकता है, इतना धनी था। पर जीवन इतना सादा, एक अंगोछे से ज्यादा नहीं रखना, एक फल से ज्यादा नहीं खाना, इतना संयम, खान पान में संयम, रहन सहन में संयम, सारे जीवन में संयम, इतना संयम, आनंद नाम था, और शायद आनंद का ही जीवन जिया, शायद नहीं निश्चित ही जिया होगा, कि जो इतना संयमी था उसके लिए तनाव की बात तो कैसे हो सकती है। जो ज्यादा पदार्थ का उपभोग करता है वह तनाव में जा सकता है। हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करें, संयम यानी उपभोग का संयम। जो व्यक्ति उपभोग का संयम नहीं करता, पदार्थ में इतना आसक्त हो जाता है कि रात दिन एक तनाव बना रहता है, भयंकर तनाव पदार्थ का, यह वस्तु चली गई, यह नष्ट हो गई, वहां ऐसा हो गया, हमेशा तनाव बना रहता है। तनाव का एक साधन आजकल है यह शेयरों का बाजार, शेयर का बाजार तनाव का बहुत बड़ा कारण। पुराने जमाने में सट्टा करते थे कि सट्टे वाला आदमी कभी सुख से नहीं जीता, सुख से नहीं सोता। अब शेर का भी वही
स्वरूप है कि शायद तनाव भीतर ही भीतर तनाव बना रहता है। धन पदार्थ है, उपयोगी है, उसकी उपयोगिता को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि धन के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। किंतु धन के प्रति जो एक तो आसक्ति बन गई, दूसरी उसके साथ उपभोग की बात जुड़ गई। उपभोग बाना छोटा गांव है, यहां रहने वाले भोजन करते हैं, अपने आप ही शायद पांच चार चीजों से ज्यादा द्रव्य नहीं लगते होंगे, रोटी राबड़ी कोई एक साग और क्या गिने। और मुंबई के किसी बड़े आदमी की भोजन की टेबल पर जाकर देखो, इतनी चीजें हैं कि आप गिनते गिनते थक जाए। गांव का आदमी इसलिए सुखी है कि सहज ही वह संयम हो रहा है, हो रहा इसलिए सुखी है, और वह भी मान लेता है कि कमी है तो वह भी दुखी बन जाता है। और शहर का आदमी इसलिए सुखी नहीं है कि वह बहुत ज्यादा खाता है, जितना जरूरी नहीं, और इतनी चीजें खाता है कि जितनी चीजें खाना जरूरी नहीं है। जितनी जरूरत उतना पदार्थ का भोग करना तो समझ में आने वाली बात है, किंतु अनावश्यक भोग केवल इंद्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, और वे इंद्रियां पदार्थ की मांग करती है और फिर सताती भी है, कष्ट भी देती है। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि एक आदमी तड़प रहा है। पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे, वैद्य को बुलाया और सारा वैद्य ने देखा, पूछा कि बोलो भाई कैसे क्या हुआ। अब स्वयं जानता है कि मैंने ज्यादा खा लिया इसलिए तड़पन हो रही है, पेट पर अफारा है, पर वह यह स्वीकार नहीं करता कि मैंने ज्यादा खा लिया। कहेगा वैद्य जी कोई ऐसी हवा लग गई, आजकल एक और चल पड़ा, होती है शरीर की बीमारी, कहीं पग लग गया, कोई हवा लग गई। अब बेचारी हवा कहाँ तक आती है तुम्हारे पास। स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपनी लोलुपता के कारण कोई अतिक्रमण किया और उसका यह परिणाम है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। कारण पदार्थ के प्रति इतना अनुराग, इतनी आसक्ति है कि वह छोड़ नहीं सकता। पुराने जमाने में जैन श्रावक भी एक दिनचर्या का प्रयोग करते थे, प्रतिदिन का कुछ संकल्प रोज करते थे, जिन्हें कहते हैं 14 नियम चितार्थ। 14 नियम चितार्थ इस भाषा में कुछ संकल्प करते थे कि आज इतनी वस्तुओं से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 5 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाऊंगा, अथवा 9 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाऊंगा, और इतने से ज्यादा यात्रा नहीं करूंगा, इतने से ज्यादा यह उपयोग नहीं करूंगा। ये 14 बोल प्रतिदिन की मर्यादा करते थे। आज तो शायद वह मर्यादा अब टूटती जा रही है, खाने का तो पता ही नहीं, किंतु यात्रा भी इतनी अनावश्यक होती है, अनावश्यक यात्रा। साधन इतने हो गए, कहा तो जाता है पेट्रोल की कमी है, पर वाहनों की भीड़ को देखे तो यह नहीं लगता कि पेट्रोल महंगा है या पेट्रोल की कमी है, इतनी ज्यादा बढ़ गई। अनावश्यक यात्रा करना, अनावश्यक खाना, अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग करना और अनावश्यक पानी का व्यय करना, ये आज की समस्याएं बन गई। जब इन समस्याओं के बीच आदमी जी रहा है, उसे सुखी कैसे माना जाए? सुखी नहीं हो सकता। सुखी वह होता है जो
धन के होने पर भी, सारी सुविधाएं होने पर भी जानबूझकर और कठिनाई का जीवन जीता है, संयम का जीवन जीता है। बाहर से तो लगता है कठिनाई का जीवन और भीतर में उसके आनंद रहता है, सुख रहता है, सुख का अनुभव रहता है, कहीं कोई चिंता नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। पूज्य डालगणी जो आचार्य बने बन गए थे, एक गांव में थे और उन्हें सूचना नहीं मिली थी। सूचना देने भंडारी जी गए और जो देखा कि डालगणी बैठे हैं, कुछ साधु भिक्षा लाने के लिए गए हैं और वे हाथ में कोई सूखी बाजरी की रोटी कोरी खा रहे हैं। कितना सुख रहा होगा, कोरी रोटी खाने का भी अपना सुख है। कभी आपने अनुभव नहीं किया कि बिना साग बिना व्यंजन कोरी रोटी खाकर देखें तो पता चलेगा कि बाजरी में भी कितनी मिठास है, गेहूं में भी कितनी मिठास है। हम लोग वैसे खाते नहीं, कुछ लगाकर खाते हैं, इससे उसका स्वाद तो दब जाता है, चीनी या नमक का स्वाद प्रमुख बन जाता है। हम कैसे संयम करना सीखें? अगर सुखी बनना है, सुखी रहना है, तो संयम के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। चाहे कितना वैज्ञानिक खोज कर रहा हो, चाहे और कोई बड़ी कंपनी कितना उत्पाद पैदा कर रही हो, दुनिया के किसी भी अंचल में चले जाएं, जहां बहुत सारी वस्तुएं पैदा होती है, जैसे आज सुनते हैं कि चीन की वस्तुएं भारत के बाजार पर छाई हुई है, बाजार पर नहीं भारतीय मन पर छाई हुई है। कितना ही हो पर यह तो नहीं मानते कि सुख बढ़ा है, यह तो शायद नहीं स्वीकार कर सकते। आप लोग जानते हैं कि दो चार पीढ़ी से पहले आपके पूर्वज भी गांवों में रहते थे। अभी रीढ़ी आया हमारे रास्ते में, रीढ़ी में भी काफी लोग रहते थे और भी गांवों में रहते थे। सुविधाएं कम थी, कच्चे मकान, झोपड़े और खाने को वे भी सीधी सादी वस्तुएं, पहनने को भी मोटा कपड़ा, बहुत सुविधाएं नहीं थी। पर आज अगर कोई तुलना करे कि आपके पूर्वज जितने चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और सुख का जीवन जीते थे, उतना आज प्रचुर संपदा पाने पर भी उतना तनाव मुक्त और शांति और सुख का जीवन है या नहीं, अगर कोई ठीक तुलना करे। अब कैसे करें, वे तो चले गए, पर आज भी लोग जानते हैं कि कितने सुखी थे, कितने सहज थे, सरल थे। आज तो कितना परिवर्तन आ गया। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुखी वह है जो होने पर भी नहीं खाता, उपयोग नहीं करता। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें आनंद आता है उनको। क्यों? घर में 10 आदमी है और 9 आदमी तो बराबर पेट भरकर खाते हैं और एक आदमी बरसी तप कर रहा है, एकांतर कर रहा है, एक दिन खाता एक दिन नहीं खाता। एक आदमी एकासन कर रहा है, एक आदमी सरस वस्तुओं को छोड़ रहा है। घर में दूध है पर दूध नहीं पीता, दही है पर दही नहीं खाता, घी है पर घी नहीं खाता, साधारण रूखा भोजन करता है। अब दोनों में देखा जाए तो ऐसा क्यों? अगर उससे पदार्थ को छोड़ने में सुख का अनुभव न हो तो एक दिन तो छोड़ सकता है, दूसरे दिन नहीं छोड़ सकता। जो व्यक्ति पदार्थ का मूल्य समझ लेता है वही ऐसा कर सकता है। तो शायद इसी लहजे में सन्यासी ने, तपस्वी ने भी राजा से कहा कि राजन, तुमने इतना किया, इतना है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे सारे धन का मूल्य मैं बताऊं क्या? कहा महाराज आप बताएं कितना मूल्य
उस राजा ने सोचा मूल्य बताएंगे अरबों खरबों का मूल्य, किंतु यह नहीं कहा। तपस्वी साधु ने कहा केवल दो पानी की गिलास, बस तुम्हारे सारे राज्य का मूल्य है दो गिलास पानी। अब राजा तो एकदम शर्मिंदा हो गया कि महाराज ये क्या किया आपने, मेरे राज्य का मूल्य आपने दो गिलास पानी, दो गिलास पानी तो कहीं मेरे ठोकर में उलटा, आपने ये क्या किया। साधु ने कहा बातचीत को मोड़ देते हुए कहा राजन मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? कि तुम कभी जंगल में शेर करने के लिए गए और साथ में सैनिक कर्मचारी नौकर सब साथ थे, मंत्री सामंत सब साथ थे, पर ऐसा संयोग मिला कि जंगल में सारे भयंकर जंगल सब भटक गए, तू अकेला रह गया। गर्मी का मौसम, प्यास लगी, पास में कुछ भी नहीं, पास में कोई आदमी नहीं और पास में पानी भी नहीं। अब भयंकर प्यास लगी, कण सूख रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्राण जाने को तैयार हैं। उस स्थिति में तुमने देखा कि एक चरवाहा आ रहा है, पास में पानी की डी बड़ी, आजकल तो मैंने देखा अभी कि चरवाहे भी ये शीशी बोतल रखने लग गए। पुराने जमाने में दीवड़ी कहते थे जिसमें ठंडा पानी रहता था, वह थी। राजा ने देखा कोई आ रहा है, वह आदमी आया मिला और राजा ने कहा कि भाई कण सूख रही प्राण जा रही है, पानी पिलाओ। वह बड़ा अच्छा था, उसने कहा लो पानी पी लो। वह ठंडा ठंडा पानी गर्मी के मौसम में जब प्राण जा रहे हैं कण सूख रहे हैं उस स्थिति में तुझे पिलाया, बोलो उस समय तुम क्या करोगे। बोला महाराज जब प्राण जा रहे हैं उस स्थिति में कोई पानी पिला दे आधा राज्य दे दो, आधा राज्य। तपस्वी ने बात चालू करते करते फिर मोड़ दिया बात को और फिर पूछा कि राजन एक प्रश्न का मैं उत्तर और पाना चाहता हूं। क्या? कि तुम सो रहे थे और अचानक सो रहे हो और अचानक उस समय तुम्हारे मूत्र कृच्छ का रोग हो गया, पेशाब बंद हो गया। अब आदमी छटपटाता है, उस समय बड़ी भयंकर स्थिति तुम्हारी। चिकित्सक को बुलाया, चिकित्सक ने देखा, वैद्य ने देखा और उसने उपचार किया, तुम स्वस्थ हो गए। बोलो स्थिति में क्या करोगे। बोले महाराज जब प्राण निकल रहा है प्राण जा रहा है तो फिर राज्य का क्या, धन का क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। उस स्थिति में उसने मुझे बचा दिया या बचा दे तो आधा राज्य दे सकता हूं। सन्यासी बोला एक गिलास पानी पिलाया आधा राज्य, एक गिलास पानी निकाला उसका मूल्य आधा राज्य। अब तुम सोचो तुम्हारे राज्य का कितना मूल्य, दो गिलास पानी। अब राजा सच्चाई को समझ सका कि वास्तव में दो गिलास पानी है। हम पदार्थ का मूल्यांकन करें, मूल्य जितना है उससे हम ज्यादा आंक रहे हैं, जितना मूल्य है उतना अंकन करें कि पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है, उसके बिना जीवन नहीं चलता तब तो ठीक है, किंतु इतना मूल्य आंक रही है कि पदार्थ के लिए धन के लिए माँ बाप से भी लड़ाई हो जाती है, पुत्र से भी लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई और बाकी का कौन बचा, सबसे लड़ाई। कारण कि जितना मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य हमने उसको दे दिया। अहिंसा यात्रा में हमने एक काम किया, आज भी कर रहे हैं, कि मूल्यांकन का सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण हमारा बने, जिसका जितना मूल्य है उसका उतना मूल्य आंके तो हिंसा कम हो जाएगी। मूल्य कम है और हमारी दृष्टि में उसका मूल्यांकन ज्यादा हो रहा है, मूल्य ज्यादा आंक रहे हैं तो फिर समस्या पैदा होती है।
इसलिए आप लोग चिंतन करें, अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें और जीवन में अहिंसा को उतारें, तो फिर हम कह सकते हैं कि वह आदमी बहुत सुखी है या सुखी है जिसमें अहिंसा की चेतना जागृत है। ओम अर्थ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।